नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। बिहार में भले ही पूर्ण शराबबंदी हो, लेकिन बेगूसराय में आए दिन शराबियों के द्वारा अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। और तो और, सब अब शराबियों के मन से खाकी का भी खौफ निकलता जा रहा है और वह सरेआम खाकी पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा घटना बेगूसराय के भीड़भाड़ वाले बाजार बड़ी एगू की है, जहाँ पर आज शाम एक शराबी ने नगर डीएसपी मिथिलेश कुमार पर जानलेवा हमला किया। हालांकि इस हमले में मिथिलेश कुमार बाल बाल बच गए और डीएसपी ने के गार्ड ने खदेड़ कर अपराधी को भी पकड़ लिया तथा इलाज के बाद अपराधी को जेल भेज दिया गया है। शराबी की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदिरी नकटी टोला निवासी अमित कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक सिक्सर, 5 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा भी बरामद किया है। भले ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी का दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा शराब पर अंकुश लगाने की बात तो दूर, अब उन्हें अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। छोटे पदाधिकारियों की तो बात अलग है, अब शराब के नशे में अपराधी डीएसपी तक को अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। आलम यह है कि अब आमजन में भी पुलिस के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग तथा व्यापारी वर्ग अब यहाँ से पलायन करने की बात कर रहे हैं। बुधवार की देर शाम घटी घटना उस वक्त घटी जब सदर डीएसपी मिथिलेश कुमार मटियानी थाना क्षेत्र से एक केस का अनुसंधान कर लौट रहे थे। तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी एगो में एक युवक बैठकर शराब पी रहा था। शराबी को देख जैसे ही डीएसपी मिथिलेश कुमार नीचे उतरे, शराबी अमित कुमार ने बिना अंजाम की परवाह किए उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में डीएसपी बाल बाल बच गए। गार्ड लोगों ने अपने साहस का परिचय देके उसको गिरफ्तार किया था। उसके साथ एक पिस्टल और लोडेड वेपन मिला था, जिसमें एक उसने फायरिंग करी थी, एक खोखा मिला, 5 गोली बरामद हुई। उसका नाम अमित कुमार है और रहने वाला रामदीरी का था। ये एक पहला मामला है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नशे में था और उसने गोली भी चलाई थी, ये बात भी इसने कबूली थी।